Hi winners, I hope you all are well. This side Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel, Crypto का रास्ता. Winners, जैसा आप लोग जानते हैं, आज की डेट में अगर आप लोग Coin Market Cap या Coin Gecko पर चेक करें, तो आपको जो आने वाले ट्रेंड्स हैं, जो आने वाले रेवोल्यूशन है क्रिप्टो मार्केट में, उसमें कुछ कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, जिसमें आज की डेट में सोलाना इकोसिस्टम, BRC20, डीप इन कैटेगरी, गेमिंग कैटेगरी और इधर से AI कैटेगरी, जो इस टाइम पर मोस्ट पावरफुल कैटेगरी बताई जा रही है क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से. मतलब AI बेस्ड जो प्रोजेक्ट हैं वो आने वाले टाइम में हमें काफ़ी बड़े लेवल पर ग्रो करते हुए दिखाई देंगे. ऐसे में आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो एग्जैक्टली AI ट्रेडिंग बोट है, एक AI बेस्ड प्रोजेक्ट है और AI ट्रेडिंग बोट की हेल्प से आप लोग एवरी हाफ एन आवर में, एवरी आवर के अंदर काफी अच्छे लेवल पर अर्निंग कर सकते हैं. बट ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं. ऐसा नहीं है कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की और आप लोगों ने ये प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज यू नो वेरी वेल दिस इज द हाईली वोलेटाइल मार्केट. और इसके साथ साथ AI ट्रेडिंग बोट अभी कंप्लीटली एक नया रेवोल्यूशन है, एक नई चीजें हैं, तो इसमें आपका कंप्लीट रिस्क भी हो सकता है. लेकिन आपके साथ मैं ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली शेयर करूंगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट से काफी सारे लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है. अब वो कब तक हो रहा है वो लोग बताएंगे, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें काफी सारा बेनिफिट हो भी रहा है तो उन लोगों ने ही मेरे साथ शेयर किया इस प्रोजेक्ट. तो आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बार डिटेल में समझते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट है theterminal.fun और इसके साथ साथ AI कार्ड द टर्मिनल बोट ट्रेडिंग बोट भी है, जहां पर आप लोग प्रॉपर इसको यूज कर पाएंगे. अब एग्जैक्टली अर्निंग कैसे होगी, ट्रेड कैसे करेंगे सेल्स को, इसके बारे में पूरा समझते हैं. एग्जैक्टली जो theterminal.fun है, इसमें बेसिकली क्या है, इट्स अ कंप्लीटली AI ट्रेडिंग बोट और यहां पर आप लोग जो इन्वेस्ट करते हो वो करते हो माय फ्रेंड्स EOS क्वाइन. EOS क्वाइन को अगर आज आप देखें तो वर्ल्ड वाइड अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो इस टाइम पर EOS का रैंक 80 है. मार्केट कैप इसकी बहुत स्ट्रांग है. मार्केट सेक्शन में चलें तो बाइनेंस, OKX, HTX, बायबिट, Gate.io, KuCoin, Coinbase, Kraken, सभी टॉप मोस्ट एक्सचेंज पर ये प्रोजेक्ट लिस्ट है. ओके, सो EOS क्वाइन जो है वो हम लोगों को फाइनली ट्रांसफर करने हैं, जिससे हम लोगों को एवरी आर में, एवरी हाफ आर में EOS प्रोजेक्ट जो है या EOS टोकन जो है वो अर्न हो. अब ओवरऑल जब आप इसकी वेबसाइट पे आओगे तो इसकी वेबसाइट पे आप देखते हो theterminal.fun पे यहां पर गूगल शीट का एक लिंक है. जैसे ही मैंने इस गूगल शीट के लिंक पर क्लिक किया तो यहां पर आप देखिए कि एग्जैक्टली ये पूरा प्रोसेस क्या है. ये पूरा प्रोसेस गूगल शीट की हेल्प से आपको प्रॉपर समझाया जा रहा है. यहां पर ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का भी लिंक है ताकि आप लोग क्लिक करके पूरी ब्लॉकचेन कैसे एक्सप्लोर की जा रही है, कैसे कैसे डेटा प्रोसेस हो रहा है, कैसे EOS डिपॉजिट हो रहे हैं, EOS प्रोसेस हो रहे हैं, टोकन कैसे रिसीव हो रहे हैं, ये देखिए पूरा यहां पर आप देख सकते हैं. तो ओवरऑल आज आप ये देखिए कि जो एक गूगल शीट है, यहां पर जो रेड मार्क है, जैसे आप ये रेड देख रहे हैं, ये वो सेल्स हैं जो सोल्ड किए जा चुके हैं. उसके बाद जो ऑरेंज मार्क है, ऑरेंज मार्क मतलब प्रोसेसिंग हो रहे हैं सेल्स, और पेड सेल्स मतलब ग्रीन, जो ओवरऑल ग्रीन आपको यहां पर दिखाई देंगे वो पेड सेल्स होने वाले हैं. अब यहां पर जो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है कि कितने मिनिमम EOS आप लोग डिपॉजिट करोगे, कैसे डिपॉजिट करोगे, आइए उसको समझते हैं. जैसे ये EOS प्रोजेक्ट है, अब आप अगर किसी भी एक्सचेंज को ओपन करते हैं तो वहां पर एक तो डिपॉजिट के अंदर आपको मिलता है प्रोजेक्ट का एड्रेस और दूसरा मिलता है प्रोजेक्ट का मेमो नंबर. मेमो मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट का नंबर होता है 7 to 8 डिजिट का. तो ओवरऑल जो वो मेमो होगा EOS का, मतलब मान लीजिए आप लोग इस टाइम पर बाइनेंस एक्सचेंज में आते हैं, ओके, जैसे मैं बाइनेंस ओपन करता हूं, ये देखिए बाइनेंस मैंने ओपन की. बाइनेंस ओपन करने में आप यहां देखिए मैंने EOS क्वाइन को सर्च किया. अब यहां पर जब मैं डिपॉजिट पर गया तो डिपॉजिट में मैंने सेलेक्ट जो नेटवर्क है वो EOS ही किया. अब यहां देखिए एक तो आता है डिपॉजिट एड्रेस और एक आता है मेमो. अब ये मेमो जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मेमो के एड्रेस से ही AI ट्रेडिंग जो बोट है द टर्मिनल वो काम करता है और इसी से आपका रजिस्ट्रेशन होता है. तो देखिए मेमो मैंने यहां से सिंपली कॉपी कर लिया. अब मेमो कॉपी करने के बाद मैं यहां पर आया द टर्मिनल बोट पर. इसका जो लिंक है द टर्मिनल बोट का वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, द टर्मिनल बोट पे क्लिक किया तो यहां पर स्टार्ट आया और अब सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्म है कि मैं कौन सी लैंग्वेज समझता हूं और मेरा जो मेमो एड्रेस है वो कहां पर मुझे पेस्ट करना है. तो सिंपली मैंने यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज कर ली. अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जैसे सेलेक्ट की, वेलकम टू द टर्मिनल, व्हाट इज द टर्मिनल वीडियो, वेबसाइट, हाउ टू फाइंड, अब ये कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, तो मैं कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूं.
नाउ चूज द एक्सचेंज यू विल यूज टू बाय लिक्विडिटी सेल. मतलब ओवरऑल कौन सी एक्सचेंज आप यूज करना चाहते हो लिक्विडिटी सेल्स को बाय करने के लिए. अब लिक्विडिटी से ही हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक काफी बड़ा इंपैक्ट आता है. तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन है, MEXC, Bybit, OKX और Binance. अब रिसेंटली मैंने Binance यूज किया तो मैं Binance पर क्लिक कर देता हूं. ओके अब देखिए यहां पर सिंपली इसने पूछ लिया एंटर द मेमो ऑफ योर एक्सचेंज अकाउंट ऑन द US नेटवर्क. तो मैं यहां पर गया और ये मैंने अपना जो मेमो वहां से कॉपी किया वो मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया. आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल. इट मींस आप इन चारों में से किसी भी एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, MEXC को, Bybit को, OKX को और Binance को. और जैसे आप उस एक्सचेंज को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो मेमो का एड्रेस है जो यहां से मैंने Binance में लिया, पहले US को सर्च किया. देखिए यहां पर मैं सबसे पहले US पे गया. जैसे हम लोग ऑलरेडी वॉलेट सेक्शन में जाते हैं, अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं, तो वहां पर हम US को सर्च करते हैं. तो ओवरऑल सबसे पहले मैंने US को सर्च किया. US को सर्च करने के बाद सिंपली मैं उसके डिपॉजिट पे गया. ओके देखिए जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये मेरी कुछ असेट्स हैं जो मैं इस टाइम पर मैंने Binance में रखी भी हुई हैं. तो यहां पर सिंपली जो भी प्रोजेक्ट आपको चाहिए उस प्रोजेक्ट को आप लोग सर्च करोगे और इजीली US को सर्च करने के बाद मेमो को कॉपी कर लोगे. मेमो आपको पता है जैसे एड्रेस होता है वैसे एक मेमो एड्रेस होता है. तो मेमो का मैंने एड्रेस कर दिया, मेरा यहां पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है. अब फाइनली मुझे क्या करना है, अपनी Binance से EOS को ट्रांसफर करना है इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग बोर्ड को स्टार्ट करने के लिए. कौन सा ट्रेडिंग बोर्ड, जो मैंने आपको यहां पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाया, द ट्रेड द सेल इन गूगल शीट फॉर फन एंड अर्न मनी. तो ओवरऑल जो इसका ब्लॉक एक्सप्लोरर है वो ये है. द टर्मिनल एक्सप्लोरर में जो सेल सोल्ड हो जाते हैं वो रेड मार्क में आ जाते हैं, जो प्रोसेसिंग में है, जो पेड में है वो ग्रीन मार्क में आ जाते हैं. तो ओवरऑल यहां पर अब आपको मिनिमम कितना ट्रांसफर करना है वन टाइम में, यहां साफ मेंशन है. देखिए जो टर्मिनल की वेबसाइट पे मैं आता हूं तो यहां पर देखिए यहां पर साफ ना एक मेंशन है कि आप किस हिसाब से इसको यहां पर सेंड कर सकते हो. तो यहां पर ना पूरी सेंडिंग की पूरा एक लिमिटेशन डिफेंड है. ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में बहुत सारे सेंड कर देने. अब देखिए यहां पर भी Binance, अब जैसे मैंने यहां पर Binance देख लिया तो Binance मैंने ऑलरेडी यहां पर सेलेक्ट कर लिया. तो यहां पर ना ओवरऑल पूरे ऑप्शन गिवन होते हैं कि आप कितने सेल्स लिक्विडिटी सेल को बाय करोगे, ट्रेड करोगे और कितने US क्वाइन जो है वो यहां पर ट्रांसफर करोगे. Binance को मैंने यूज किया है तो अब मैं उसी हिसाब से US क्वाइन जो यहां पर ट्रांसफर कर सकता हूं. यहां पर साफ लिखा हुआ है कि अगर आप मिनिमम 36 करो तो आपका जो प्रॉफिट है पर सेल का वो 2% का होगा. उसके बाद जो रेफरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ भी नहीं है. करेंसी जो है वो US है, द टर्मिनल US करेंसी है और जो साइकिल है नंबर ऑफ करंट साइकिल जो है वो 142 चल रही है और पूरा का पूरा ब्लॉक एक्सप्लोरर यहां पे है. अब सिंपली हमें क्या करना है कि EOS को यहां पर ट्रांसफर करना है द टर्मिनल में, क्योंकि ट्रेडिंग बोर्ड में हम लोगों ने प्रॉपर इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. तो जब मैं EOS को ट्रांसफर करता हूं तो ऑटोमेटिक मेरे उसी एड्रेस पर मुझे एवरी हाफ एन आवर में, एवरी आवर में, एवरी टू आवर के अंदर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. इट्स कंप्लीटली अबाउट AI ट्रेडिंग बोर्ड जो कहीं ना कहीं पर EOS नेटवर्क पर काम कर रहे हैं. और बेसिकली क्या है, लिक्विडिटी सेल जो बाय होता है, जो लिक्विडिटी सेल होता है जिसे प्रोजेक्ट की वर्थ बनती है, ओवरऑल वो पॉइंट है इस पर्टिकुलर द टर्मिनल प्रोजेक्ट में. इट इज कंप्लीटली AI ट्रेडिंग बोट, बट मैं आपको फिर भी बोलूंगा इट्स अ कंप्लीटली हाईली वोलेटाइल मार्केट. रिसर्च करें पहले इन्वेस्ट करने से, क्योंकि आप भी जानते हैं AI जो है वो बिल्कुल एक न्यूली स्टेज में है. तो AI ट्रेडिंग बोट का वो इतना बड़ा अभी इंपैक्ट मार्केट में नहीं आया है. तो अगर आपको लगता है कि आपको यहां से प्रॉफिट बन सकता है, आप बेनिफिट उठा सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस प्रोसेस को जरूर फॉलोअप कीजिए. अदरवाइज यू नो वेरी वेल यू आर इन द हाईली वोलेटाइल मार्केट. सो प्लीज 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 डू योर ऑन रिसर्च before buying, before investing, before starting in any kind of crypto project. Thank you so much for watching this video and please do subscribe to CryptoMarg YouTube channel for more updates. Thank you so much.